हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट थे क्लास 10 आर्एस अग्रवाल की क्वेश्चन नंबर 20 चैप्टर 1B को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर और फोर ऑफ फोर डिजिट्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है जो कि फोर डिजिट का हो और विच इज एग्जैक्टली जो क्या हो पूर्णतः डिविजिबल हो 15, 24 एंड 36 से। यानी आपको कुछ ऐसे संख्या ज्ञात करनी है जो चार डिजिट की तो हो लेकिन 15, 24 और 36 से पूरा डिविजिबल हो। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे चाहें तो खुद भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए बनाते हैं। तो लिखेंगे कि गिवेन नंबर आर 15, 24 एंड 36 है। ठीक है, इस नंबर्स को हम लिख लेते हैं। इसके बाद क्या है कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, आपको जो है ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने बोल रहा है। तो 15 का हम देखते हैं करके प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आ जाएगा 3 इंटू 5। ओके, 24 का हम देख लें तो लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, वहीं पर 36 का हम देखें तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ओके चलिए, तो देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो एलसीएम आ जाएगा वो हम आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। यानी आपका हो जाएगा 3 3 9 9 18 36 72 360। यानी 360 जो है हमारा वो आ जाएगा। आप कहता है फोर डिजिट का जो हमको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो लिखेंगे ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर हो जाएगा हमारा 9999। अब क्या है कि इसको कहता है डिवाइड करने। अब इसको क्या सबसे पहले डिवाइड करके देखते हैं क्या रिमाइंडर बता है। डिवाइडिंग 360 फ्रॉम 9999, तो सो वी गेट 279 एज रिमाइंडर। तो यदि आप इसे करके भी देखेंगे तो इतना ही आएगा। देखिए करके भी देख देते हैं, 360 से 9999 हो गया, टू टाइम्स में लगाएंगे 720 आ जाएगा 279, फिर से 9, फिर से यदि हम लगा दें 7 टाइम्स में। ठीक है, 7 टाइम्स में यदि हम करें तो 2520 यहाँ आ जाएगा 279। आप देख पा रहे हैं क्या कि 279 जो है हमारा वो रिमाइंडर आ रहा है। तो हमने लिख दिया है 279 एज रिमाइंडर नाउ। ठीक है, नाउ नाउ क्या करते हैं, हमें जो रिक्वायर्ड नंबर चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, रिक्वायर्ड फोर डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। यानी हमको चार डिजिट का नंबर ज्ञात करना है जो कि पूर्णतः डिविजिबल हो जाए इतना से। लेकिन ये तो रिमाइंडर आ रहा है, यदि हम रिमाइंडर को इससे घटा दें तो ये जो नंबर हो जाएगा इन तीनों से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो लिख लेंगे 9999 में से हम घटा देते हैं 279 को, तो हमारा जाएगा 9720, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को उन तक पहुंचाएं जिनको वीडियो की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।